pretend. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside. और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क एबीएस का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये है बजाज पल्सर 150 UG5 ड्यूल डिस्क विथ एबीएस। तो दोस्तों, फाइनली इसमें भी अब एबीएस को इंस्टॉल कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियर व्हील में जो आपको सेंसर मिलता है वो कोई एबीएस सेंसर नहीं है, वो एक स्पीड सेंसर है। मेन एबीएस सेंसर आपको फ्रंट में ही मिलता है दोस्तों। स्पीड सेंसर कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब भी आप पावरफुली ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो अनयूजुअल स्टॉपिंग क्रिएट होती है उसी को ये स्पीड सेंसर कंट्रोल करता है। बाकी बाइक के कलर से लेके इंजन तक कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो मेन चेंज है वो सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस का ही है दोस्तों। प्राइस पहले के मुकाबले 7,000 रुपए बढ़ चुका है, तो ठीक ठाक ही प्राइस है। एबीएस और स्पीड सेंसर को मिलाकर प्राइस काफी सही है दोस्तों। फ्रंट में आपको 35x35 वॉट का डीसी ऑपरेटेड हेलोजन बल्ब मिलता है, जिसकी जो ब्राइटनेस वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको बल्ब फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, उनमें बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे। और दोस्तों, फ्रंट में आपको एक ब्लैक कलर का वाइजर भी मिल जाता है। बाइक के कॉर्नर्स पर भी आपको पायलट लैंप्स मिल जाते हैं। इसमें आपको बल्ब लैंप मिलते हैं जो नाइट में आपकी बाइक को एक काफ़ी डेविल टाइप लुक देने में हेल्प कराते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लुक ये अपनी बाइक देते हैं दोस्तों। रेयर में आपको सेम ट्विन डिवाइडेड सेक्शन में एलईडी टेल लाइट्स मिलती है, और इसमें आपको कन्वेंशनल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स तो मिल ही जाते हैं दोस्तों। मडगार्ड, इसमें आपको फ्लेक्सिबल मडगार्ड मिलता है, जिससे अगर आपके मडगार्ड कोई डैमेज करने की कोशिश भी करता है तो मडगार्ड जल्दी से डैमेज नहीं होता है, वो बस थोड़ा बहुत मुड़ता है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 PS एट 8000 RPM की पावर और 13.4 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM का टॉर्क मिल जाता है दोस्तों। इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 5 मिलते हैं, और इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी डिजाइन में इंजन काउल भी मिल जाता है विथ ग्राफिक्स दोस्तों। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो इसका माइलेज अराउंड 45 टू 50 तक का आप गेन कर सकते हो, बाकी वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो दोस्तों। इसकी करेंटली प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस है 1,01,000 ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों, सिंगल चैनल एबीएस के हिसाब से प्राइस काफी सही है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का कंबाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें अब आपको बैटरी इंडिकेटर की जगह ही एबीएस इंडिकेटर मिलता है। और दोस्तों, डिजिटल मीटर के ऊपर आपको यहाँ एक साइड स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है दोस्तों। एनालॉग मीटर में आपको टोटल RPM बता दिया जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका फ्यूल गेज, टॉप स्पीड, 2 ट्रिप मीटर, आपका सर्विस रिमाइंडर और क्लॉक, और यहाँ आपको ओडोमीटर भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साइड स्टैंड ओपन है, तो यहाँ साइड स्टैंड का भी ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों। स्विच गियर क्वालिटी बजाज की हमेशा से ही अच्छी रही है और रहना चाहिए, और बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों। यहाँ आपको स्विचेस बैकलाइट्स भी मिल जाती है, जो नाइट में आपके स्विचेस को विजिबल कराने में काफ़ी हेल्प कराती है, मतलब उसको जज करके आप अपने स्विचेस को आराम से कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। राइट तरफ के हैंडल में आपको यहाँ इंजन किल स्विच भी मिल जाता है, और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है, और मडगार्ड पर भी आपको यहाँ ग्राफिक्स का स्टिकरिंग मिल जाता है। 80x100 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज, और 260 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोस्तों। बाइक्स के साइड पैनल्स पर भी आपको फेक कार्बन फाइबर का फिनिशिंग टच मिल जाता है, और यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ आपको ABS की भी सेंसर प्लेट मिल जाती है। रेयर में आपको ट्विन सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है,
जिसमें आपको 100x90 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज और 230mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों दोनों ही टायर्स यहां आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और जैसा कि आप यहां देख सकते हो यहां आपको स्पीड सेंसर प्लेट भी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों टायर इसमें आपको काफ़ी मोटा मिलता है और काफ़ी स्पोर्टी लुक ये अपनी बाइक को दे देता है। दोस्तों सीट इसमें आपको स्प्लिटेड सीट मिलती है और काफ़ी स्पेसफुल सीट आपको यहाँ मिल जाती है। अगर आप तीन लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है वो बहुत ही कंफर्टेबल बाइक को राइड कर पाएगा और जो बिलियनर्स रहेंगे उनको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। सीट ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मली ही है। दोस्तों अगर आप बाइक के ओवरऑल लुक्स को देखोगे ना तो जो ओल्ड मॉडल की पल्सर 180 आती थी उसी से इंस्पायर्ड होकर पल्सर 150 ड्यूल डिस्क को डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको सेम ओल्ड मॉडल की 180 की तरह ही स्प्लिटेड सीट मिलती है, व्हील बेस भी इसका लगभग सेम ही है और टायर साइज भी सेम ही है। बस जो चेंज है वो है इंजन काउल, न्यू बॉडी ग्राफिक्स और इंजन इसमें आपको सेम 150 सीसी के सेगमेंट की बाइक का मिलता है। बाकी जो बाइक का ओवरऑल लुक है वो सेम ओल्ड मॉडल की 180 की तरह ही है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क एबीएस से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।